तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने डायलअप पैड पर अपने फोटो को कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने डायलअप पैड पर अपने फोटो को लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा कि आगे भी आपको हमारे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, जिसका कि लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको उस ऐप को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स क्योंकि मेरे फ़ोन में ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको अपना डायलअप पैड पर फोटो को लगाने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना होगा। देन दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेट डायलअप पैड बैकग्राउंड का। तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फोटो का। तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ मीडिया एक्सेस फोटो के लिए अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जब आप अलाउ पर क्लिक कर देंगे उसके बाद फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको यहाँ फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप अपने फोटो को खींचकर लगाना चाहते हैं अपने डायलअप पैड में तो फ्रेंड्स उसके लिए आप यहां टेक फोटो पर क्लिक कर दीजिए। या फ्रेंड्स अगर आप अपने गैलरी से लेकर फोटो को लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आप यहां चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहां चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देता हूं। तो फ्रेंड्स जब आप चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके गैलरी में जितने फोटो होंगे तो वो फोटो आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहां से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप अपने डायलअप पैड में लगाना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं उस फोटो को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। तो चलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां ऊपर साइड कोने में इस चेक मार्क पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं क्लिक कर देता हूं। और फ्रेंड्स जब आप चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपके डायलअप पैड पर आपका वो फोटो सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी अपने डायलअप पैड में अपने फोटो को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, यू टेक केयर।